नमस्कार लीगली स्पीकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में कि दहेज क्या है, यह अधिनियम कब आया और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं। आज हम आपसे इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डाउरी है क्या। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति नगदी एवं वस्तु से है जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व अथवा विवाह के पश्चात विवाह के किसी पक्षकार जैसे माता पिता अभिभावक अथवा रिश्तेदार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाए या देना करार दिया जाए वह दहेज कहलाता है। आपको बता दें 20 मई 1961 को यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियमित हुआ और 1 जुलाई 1961 को जम्मू कश्मीर राज्य में छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि दहेज को किसी भी लेन देन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी दहेज को रोकने के लिए लाया गया। इस अधिनियम के तहत अपराध गैर जमानतीय एवं संज्ञेय अपराध होगा तथा बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के बिना आदेश के भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा। इस अधिनियम के में 10 धाराएं भी हैं जिसमें दहेज को लेकर सजा के अलग अलग प्रावधान हैं। ये थी दहेज अधिनियम 1961 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह कानून की बारीकियों को जानने के लिए वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।